वेलकम टू धवन करेंगे होस्ट नहीं दोस्त वाला शो। आप मैंने हमेशा देखा कि आप हमेशा ही शैतानियां करते रहो, तो एक जो बच्चा आपके अंदर का वो हमेशा अलाइव रहता है और जागते रहना चाहिए। वो दैट इज इंपॉर्टेंट। वो तेरे में भी है ना, तेरे में भी बहुत खूबी है, तेरे अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा नोट की है। एंड तेरी मेरी इसलिए जमती है क्योंकि तेरे अंदर भी वो बचपना है, तेरे अंदर भी वो शैतानियत है, और तू दिल से सोचने वाला आदमी है, तू दिमाग से नहीं सोचता है, तू एकदम दिल से बोलता है, जो कुछ करता है दिल से करता है। तू कहाँ क्रिकेट में है, मैं फिल्मों में है, कोई तालमेल हमारा का नहीं है, लेकिन तेरे को कसरत अच्छी लगती है, तेरे को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो तेरी मेरी इसलिए जम जाती है। तो आप अजी मस्त मोले इंसान हो, आप हमेशा खुश रहते हो, मैंने कभी आपको ज़्यादा चिल्लाते हुए नहीं देखा, तो उसके बारे में प्लीज़ बताएं। वैसे तो मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि हमेशा हंसते रहो, हमेशा। मुझे अभी भी याद है मेरे डैडी, उनके पास करीबन 12 से 14 जोक्स थे और वो बार बार वही रिपीट करते थे और हमको फिर भी मज़ा आता था, सुन के हंसी आती थी। हमारे घर पे ना सिवाय हंसने के कुछ नहीं होता। क्या बात। जब पैसे नहीं भी थे ज़्यादा, बहुत हम करीबन 1-bedroom अपार्टमेंट में रहते थे, 100 rupees भाड़ा था उधर, तो कोलीवाड़ा में हम रहते थे, और तभी भी हमारा ये एक ही मकसद था कि हंसते रहना, हंसते रहे। कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं। मेरी सिस्टर थी, मैं थे, मम्मी और डैडी। हाँ जी। घर का काम मम्मी डैडी और हम सब साथ में मिलके ही करते थे, तो लेकिन हमारा मकसद एक ही होता, हंसो, रोना नहीं है। और मैं यही लोगों को यही समझाना कहूँगा कि मैंने तो यही फॉलो किया है, अगर आपको ऐसा लगता है करना चाहिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सो दैट इज़ वन थिंग। और साथ में स्पिरिचुअल की जो बात है वो भी मेरे बचपन से ही शुरू है कि जब हम उठते थे पहले, चलो पुत्र फटाफट नहा लो, पूजा कितनी तू, नहीं जी जाओ पूजा करो, पहला ब्रेकफास्ट नहीं मिलाया जाओ तो पूजा नहीं होगी, तो पूजा करो, पूजा करते थे, उसके बाद खाना मिलता था। रात को सोने से पहले भी भगवान का नाम लो, खाना खाते वक्त ना भगवान का नाम लो, हर चीज़ में भगवान का नाम लो, तो वो स्पिरिचुअल साइड जो है वो आज तक रह गई। कई लोग पूछते हैं कि भैया आप इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हो, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो बचपन में माँ बाप ने सिखाई है वो मैंने अभी भी अपने अंदर रखी है। मैं कहता हूँ सुबह उठने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। मैं सॉरी, आई एम डाइवर्टेड मायसेल्फ टुवर्ड्स अनदर आंसर टू इट, बट यस, स्पिरिचुअल साइड एंड हंसना, जोक्स। मेरे को बड़ा मज़ा आता जब तू एक दो कभी जोक्स भेज दिया करता है, आजकल तो कम भेज रहा है तू क्योंकि तू होस्ट करना शुरू कर दिया, तूने तू बिजी हो चुका है अभी, लेकिन खेलने बैठता हूँ ना तो कभी कभी टाइगर के साथ खेलता हूँ, वो आ जाता है तो मजा आता है कॉम्पिटिशन में। कभी तू आ जाता है तेरे साथ खेलते है, एक दो बार कभी हरभजन भी आ गया घर पे उसके साथ क्रिकेट खेल लिया, तो हम बस खेलते रहना है, काम तो करते ही रहते हैं और काम के बीच में भी मैं स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ कभी कभी, बट इट इज़ ग्रेट। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू हैव वन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इन देयर लाइफ टू कीप देमसेल्फ अलाइव। क्या बात। और आपने मार्शल आर्ट सीखी बचपन में सीखी भाजी, आपने किस एज में स्टार्ट करी मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट मैंने शुरू की थी एट द एज ऑफ व्हेन आई वाज 7 or 8 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। हाँ, तब से। या तो आप में वो स्पोर्ट्समैनशिप तो दिखती है आपके अंदर, स्पोर्ट्समैन है ही बचपन से आपने, वो नेचुरल। आल्सो बिकॉज ऑफ माय फादर। हाँ जी। डैडी की वजह से, डैडी मेरे रेसलर थे। अच्छा। हाँ, डैडी रेसलिंग करते थे, तो ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट पंजाब। हाँ जी। तो फिर वो आर्मी में भी थे। हाँ जी। डैडी क्या करते थे, मुझे बुला के ना आजू बाजू के जितने भी कोई तगड़े लड़के होंगे मुझसे 1-2 साल के उम्र में बड़े, उनको बुला लेते थे। अच्छा। फिर वहाँ कैडबरी चॉकलेट रखते थे और फिर हमारी कुश्ती कराते थे। अच्छा जी। उससे जिगरा भी कितना खुला होगा आपको कि जब छोटा बच्चा अपने बड़े से मुकाबला कर रहा है। ऐसा ही सोचते थे कि यार खेलना मज़ा आता है, और उनको भी मज़ा आता था कुश्ती करके। डैडी मुझे दाव पेच बताते थे, उसको भी बताते थे। मुझे अभी याद है हम जब वॉलीबॉल खेलने भी जाते थे तो मेरे जितने भी दोस्त थे जो वॉलीबॉल के खेलते थे, हम वी यूज़ टू रिप्रेजेंट स्कूल्स, तो बहुत कम लोगों के फादर मदर आते थे। हाँ जी। बट माई फादर यूज़ टू बी देयर। क्या बात। एंड वो आरे मिल्क का एनर्जी की बॉटल आती है। हाँ, अभी भी आती है उधर। अच्छा। तो वो करीबन 12 ले आते थे, तो 6 प्लेयर होते थे, सबको 2-2 पीते थे। क्या बात है।
और पानी वानी, तो ही वॉज लाइक अ वाटर बॉय. अच्छा. तो वो आके सबको पानी देते थे, उनको बहुत शौक था. तो वही शौक मेरे अंदर आ गया. और वो आपके बेस्ट फ्रेंड थे या स्ट्रिक्ट थे, आपका कैसा था? ना, स्ट्रिक्ट नहीं थे. उनको पता था मेरा बेटा जो है पढ़ाई में जीरो ही है. उनको पता था कि उनको सही माल था हमारा. क्या बात है. उन्होंने पहले से ही समझ लिया था और फिर उन्होंने मुझे हेल्प किया. हाँ जी. एंड फिर मैं बैंकॉक चला गया. हाँ जी, जी. वहाँ जाके मैंने फिर मतलब जाके प्रॉपर तरीके से सीखा. और उसके बाद स्पोर्ट्स करते 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 जब फिल्म इंडस्ट्री में भी आया. हाँ, तो वही स्पोर्ट्स मेरे काम में आया, स्टंट्स में काम में आया. तो जब मैं फिल्मों में आया तो कोई ये नहीं बोलता क्या एक्टर है, बोला ये यहाँ तक लात उठाता है, ये वो स्टंट कर जाता है, ये हेलीकॉप्टर. ऐसे ऐसे करते करते फिल्मों में आया. क्या बात. और मुझे अच्छे से याद है पाजी, आपने मुझे एक बारी बताया था बैंकॉक का इंसिडेंट. दैट वाज एक्चुअली सर, हमेशा सर झुका के बात करो. आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हाँ जी, कैसे भी आप रहोगे, अगर सर झुका के चलोगे ना तो आप हर प्रॉब्लम के अंदर से निकल जाओगे. तो वो इंसिडेंट ये था कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा था बैंकॉक में, मैंने हेलमेट वेलमेट बिल्कुल बाकायदा पहना हुआ था और मैंने टर्न लिया. टर्न लेके तो एक मोटरसाइकिल वहाँ पार्क थी, मेरी मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल में घुस गई. जब मैं उठा तो देखा वो मोटरसाइकिल जो थी आरटीओ के पुलिस ऑफिसर की. अच्छा. मोटरसाइकिल को ही ठोक दिया मैंने, उसको भी गिरा दिया था. अच्छा जी. तो मैं बोला मेरी जिंदगी खत्म, मैं तो आज पक्की बात है जेल गया ही गया. तो मैं खड़ा होके मैंने हाथ जोड़ के बोला सॉरी, आई एम रियली सॉरी सॉरी. उसने बाकायदा मेरे को उठाया, मेरा हेलमेट लिया, मेरी मोटरसाइकिल उठाई, ओके ड्राइव स्लोली, ओके गो. तो मुझे कुछ ही नहीं उसने किया. तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई लर्नड फ्रॉम देयर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एक्सपीरियंस. कभी गया बैंकॉक? गया तो कभी नहीं पाजी, बैंकॉक नहीं गया मैं. सफर शुरू करो जब आप प्लेन से निकलते हो. हाँ जी. तो आपको सबसे पहले सब ऐसा हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और हमेशा हर बात जो है वो हाथ जोड़ के बात करते. क्या बात. वो एक्चुअली इज टेकन फ्रॉम आवर कल्चर. क्या बात. हाथ नमस्कार करने का जो हमारे कल्चर की रिचुअल्स हैं बहुत सुंदर है. कि जैसे हम बड़ों को हंजी बोलना, कितने इज्जत से बात करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वो चीज़ बड़ी सिखाई है तो मुझे बहुत खुशी होती है. तो पाजी आपका अक्षय का टशन, जो इतने सारे आपने डायलॉग्स लिए हैं, विकेट सनी वाली वॉक या अपने अंदर का जानवर को जगाओ, तो वो सारे पाजी एक आधा डायलॉग मुझे भी सिखाओ जरा यार. मेरी आजकल शायरी बड़ी अच्छी चलती है इंटरनेट में, मैं शेरो शायरी का शौक है. तो तू पहले एक शेरो शायरी तो सुना. जैसे हम जवान तगड़े बंदों के लिए कि हार हो जाती है मान लिया जाता है. जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है. और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है. दो तीन बार देखी. मुझसे शादी करोगी जिसमे रूप बदलते रहते हैं. वो बहुत अच्छा ट्रैक था. आज डुगल साहब अंधे हैं. आज डुगल साहब गूंगे. आज डुगल साहब अफसर बने हैं. He's lost his memory. वो बहुत अच्छा ट्रैक. और वो वाला तो उसमें जो आपका एक तो सनी वाला वॉक था वो भी जबरदस्त था. और वो वाला भाजी दीदी डर गई, दीदी डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई. तो पाजी जैसे कि मैंने अब आपको शायरी सुनाई दी है इतनी, तो बाप भी अब मुझे कोई डायलॉग सिखाओ और बताओ, थोड़ी आर्ट मुझे भी सिखाओ. तो तू करेगा ताकि मैं भी दो चार पैसे और कमा लूं. क्या सीख रहे हैं तुझे डायलॉग बोलना? क्या एक सिंपल सा डायलॉग बोल पहले. डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी. अब तू मेरा स्टाइल भूल जा, अपने बोल. अभी स्टार्ट कैमरा, एक्शन. डोंट एंग्री मी. तेरे करवट उठ वो भी तो है ना. अच्छा उठनी नहीं चाहिए. नहीं अच्छा एक उठा. अच्छा एक डोंट. एक उठा के रखो. हाँ एक उठा के रखो. Don't angry me. तेरे अंदर हंसी आ रही है. नहीं नहीं गुस्सा भी है. और अब मैं आप मूवीज की तरफ चलूंगा पाजी, कि आपको 33 साल हो गए मूवीज इंडस्ट्री में आए हुए, इतना सक्सेसफुल करियर रहा आपका, अप्स एंड डाउन्स देखे, तो आज इतना कुछ अचीव कर लिया आपने लाइफ में सारा कुछ, तो भी आज आपका जो डिसिप्लिन है, सुबह 4 बजे उठना, सेट पे टाइम से पहुँचना, वापस टाइम से आना, तो वो जो एक शक्ति है, डिसिप्लिन है, वो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है, और आपको क्या लगता है कि वो चीज़ आपकी
कंटिन्यूसली कैसे चली जा रही है? सर, ये जो डिसिप्लिन है वो इसलिए नहीं है कि मैं फिल्मों में बहुत काम और करना चाहता हूँ। हाँ जी, डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि वो इनसाइड, अंदर से अंदरूनी भरी हुई चीज़ है, बचपन से भरी हुई चीज़। हाँ जी, वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाती है। आज सही टाइम पे उठना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई पूछता है कि यार आप इतने 4:30 बजे कैसे उठ जाते हो, 5 बजे कैसे उठ जाते हो, जबकि अपनी ज़िंदगी में वो लोग बचपन में 5 बजे जब स्कूल होता था 6 बजे के लिए या 7 बजे के लिए या एग्ज़ाम के लिए उठते ही थे ना। उठते ही थे, तो उसके बाद आदतें बदल गई उनकी, वो अब कहीं और चले गए। एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि दिस गेटिंग अप लेट इज सो कूल। हाँ जी, सो वो सब कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअली तो ये डिसिप्लिन हमारा बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें, हमारे टीचर्स भर के रखते हैं। आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। अब ये नहीं है कि यार सुबह 5 बजे उठना है कोफ्त नहीं है। हाँ जी, 5 बजे उठना है वो मज़ा है। मज़ा है आपको, तभी उसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोला जाता है। उसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो आप सुबह उठो। मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान को सुबह इसलिए भी उठना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अलोन। अलोन, अपने आप अकेले होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 2-2.5 घंटे आपको मिल जाते हैं, आपकी बीवी सोई होती है, आपके बच्चे सोए होते हैं, हाँ, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जिम्मेदारियों से थोड़ा परे होते हो। तो मैं ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, आई लेज अराउंड, मेरे घर पे जो है गार्डन है, गार्डन पे घूमता हूँ, समुंदर है, समुंदर पे, तू तो आया हुआ है, देखा हुआ है, समुंदर पे चला जाता हूँ, घूमता हूँ, बात करता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है ऊपर देखे ऐसे ही कुछ पूछता हूँ, बताता हूँ। हाँ जी, आदमी को ना मतलब मजा आता है। वो सुबह के जो 2 घंटे होते हैं वो बहुत मजा आता है। वही आपके लिए मेडिटेशन है? वही मेरे लिए अलग से कोई मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन मैं नहीं करता। मैं वही मेरे लिए मेडिटेशन है।